दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे। गाइज, अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस इज मस्ट। ठीक है, कभी भी जब तक आप प्रैक्टिस मोड में नहीं आएंगे, आप ग्रिपिंग मोड में भी नहीं आएंगे, आप हमेशा सीखने वाले मोड में ही पड़े रहेंगे। ठीक है, और एक चीज आज दिमाग में आई है कि मैंने देखा है ना, कई स्टूडेंट जैसे शॉर्ट हैंड सीखा, सीखने के बाद उन्होंने गैप दे दिया, तो वो कहां से शुरू करते हैं? वो फिर से रूल से शुरू करते हैं। गाइस, रूल से शुरू मत कीजिए, आप एक बार सेल्फ स्टडी कीजिए बुक की, जहां आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को प्रिपेयर कीजिए। आफ्टर दैट फोकस ऑन द स्पीड। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि भूला पड़ा हुआ कभी भी दिमाग से नहीं जाता। ठीक है, वो हमेशा कहीं ना कहीं स्टोर होता है, बस उसको हल्का सा, जैसे किताबों से धूल साफ करते हैं, सेम एज कभी कभी हमें अपने दिमाग की भी धूल हटानी पड़ जाती है। ठीक है, तो प्लीज उस चीज को हमेशा अपने पास रखिए, और अगर शॉर्ट हैंड राइटर बनना है तो अपने आप को प्रिपेयर रखिए हर लेवल को क्वालिफाई करने के लिए। डिसअपॉइंटेड मत होइए, आप हमेशा ये सोचिए आई कैन डू इट। ठीक है, लिखने से पहले एक स्लोगन होना चाहिए माइंड में, आई कैन डू इट। जब खुद को प्रमोट करेंगे तभी आप प्रमोट होंगे, दूसरा आपको कितना भी मोटिवेट कर दे, प्रमोट कर दे, लेकिन वो एक छोटे टाइम के लिए होता है। बट जब एक इंस्पिरेशन इंसान के अंदर से आती है, ठीक है, तो वो एक छोटे टाइम के लिए नहीं होती, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। जिस दिन वो इंस्पिरेशन आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, नो डाउट यू हैव टू फाइंड योर प्लेस। ठीक है, आप अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, अपनी पहले स्मार्ट आउटलाइन करेंगे, स्मार्ट आउटलाइन के बाद मैं आपको डिक्टेशंस दूंगी इन्हीं स्मार्ट आउटलाइन के बेसिक पर। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, स्मार्ट आउटलाइन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में लीजिएगा, ताकि कोई भी कंफ्यूजन दिमाग में रह ना जाए। ओके, चलिए, जो पहला वर्ड आपका आ रहा है दैट इज स्वाभाविक। स्व का आया व और का को छोटा कर दिया, इसी तरह से बना अस्वाभाविक। ये एक तरह से आपके वर्ड अपोजिट हो जाते हैं, तो हमने यहां पर आ की मात्रा को निकाला बाहर और अस्वाभाविक बना दिया, तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है स्वाभाविक और अस्वाभाविक में। और जहां तक मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी इनको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, भयावह, भ या व, ठीक है, या ऐसे लिखें या फिर आप पूरा लिखें, या व भयावह। ठीक है, ये दो सिंबल मैंने आपको बताए हैं। सुखद, इसी से आपका हुआ जैसे दुखद, तो खाली दुखद, बस एक में सा का वृत्त, एक में दा की व्यंजन रूप का, सुखद दुखद। ठीक है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो देखिए बढ़ती, ये हमने यहां पर इसको शॉर्ट नहीं किया, ब और रा बनाया। ठीक है, लिखा जा रही है, इसी को पूरा नीचे तक ट्रैक कर दिया। इसके बाद वर्ड है आपका लापरवाही, तो देखिए लापरवाही, और अगर लापरवाह होता, ठीक है, तो हम इसको ई की मात्रा को नहीं निकालते, ऐसे लिखते थे बस। माल गाड़ी, दशकों, छोटा बोलिए दशकों, बस भुलाया नहीं जा सकेगा। ठीक है, भुलाया नहीं जा सकेगा, तो देखिए भुलाया नहीं जा सकेगा, इस तरह से लिखेंगे आप। देने वाली, तो देखिए देने दा ना
वाला वाली के लिए इस तरह से सिंबल हम ऐड करते हैं, तो वही कर दिया देने वाले, ठीक है। स्तर है तो स्तर है, इस तरह से आप इस शब्द को बनाएंगे, ठीक है। बना लिया आपने ये शब्द, ये मैंने सारे आपको एक्सप्लेन किए हैं। अगर किसी भी शब्द में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है, नो डाउट राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्ड्स हम। आलोचना, तो आलोचना, क्योंकि पूरा शब्द है इसीलिए हमें यहां पर ना का हुक नहीं बना सकते। सुधार, सधरा, थर्ड प्लेस डिफाइंड करके, ठीक है। मार्क, कर रहे हैं, देखिए मार्क कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से शब्द आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब्बल, ठीक है, अब्बल। तो यहां पर व व और ला आ रहा है और आ की साउंड आ रही है, तो अगर मैं सिंपल ऐसे बनाऊंगी तो ये बिल्कुल कब्ल बल वाला आपका सिंबल हो जाएगा। तो हमने यहां पर डैश भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर डैश देंगे तो ये आपका क्रॉस वर्ड समझ में आएगा, तो हमें यहाँ पे साउंड ही देनी पड़ेगी अब्बल, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। नेक्स्ट है भूसावल, एक जगह का नाम है, तो कैसे लिखा, भूसावल, इस तरह से। और नीचे मार्क करना जरूरी है ताकि आप किसी ऑर्डिनरी वर्ड से इसको कंपेयर ना करें, तो मार्क का ध्यान दिया कीजिए। छोटी छोटी चीजें ही बहुत बड़ी एक्यूरेसी भी मेंटेन कर सकती हैं और बहुत ज्यादा मिस्टेक्स भी बना सकती हैं, ठीक है। श्रमिक, श्रमिक, स्पेशल ट्रेन, तो देखिए स्पे, ठीक है, स्पे आपका बना और सल ट्रेन, स्पेशल ट्रेन। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश, ये ऑलरेडी मैंने आपको आंध्र प्रदेश जब बताया था तभी बताया था, दो तरह से लिख सकते हैं मध्य प्रदेश, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लाइन मार्क करना जरूरी है, चाहे इस तरह पहले वाली तरह से लिखिए या फिर दूसरी वाली तरह से लिखिए, ठीक है। मजदूर, मजदूर, स्टेशन, स्टेशन का होगा क्या यहां पर, रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन, या ऐसे या फिर रेलवे स्टेशन, दोनों तरह से लिख सकते हैं कंबाइन करके। रेल पटरी, रेल पटरी, ठीक है। आस पास, आस आस पास, सुस्ताने, सुस्ताने, ठीक है। एक सा के बाद दूसरा सा आता है तो थोड़ा सा बाहर निकाल के ही हम उसको वहां पर जोड़ देते हैं, जिससे कि वो दोनों सा पढ़ने में आ जाते हैं इजीली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संयोग, संयोग, व्यापक, व्यापक, छोटा बनाएंगे पापी व्यंजन, ठीक है। यह समय ऐसा है, तो यह समय ऐसा है, ऐसा कॉल ही आपका सिंबल है, ठीक है। सावधानी, सावधानी,
यह कह देना है, यह कह देना है, तो यह कह देना है। ठीक है, अनुचित, तो नुचित, अमानवीय, देखिए मानवीय आ साउंड डिफाइन कर देंगे, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य पूरा ही लिखा है, कम यूज होने वाले वर्ड है, प्रवल, एक साइड रा का एक साइड ला का, छोड़ा जा सकता है, तो देखिए छोड़ा जा सकता है, गरीबों, गरीबों, जरूरतमंद, तो जरूरतमंद, ठीक है, इस तरह से छोटा भी बनाएंगे और हल्का सा एक यहाँ पर डॉट रख के इसको डिफाइन करेंगे, तो जरूरतमंद का सिंबल आपका डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, समाज, प्रक्रिया, तो प्रक्रिया इस तरह से शब्द को हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस तरह से इनको बनाना है आगे के शब्दों को। शब्दों में हमेशा जो अनसीन अनहियरिंग वर्ड्स होते हैं, प्लीज आप उनको पूरा ड्रॉ किया कीजिए, बाकी शब्दों को आप शॉर्ट कर सकते हैं। मैं कभी भी आपको बड़े शब्दों को शॉर्ट करने का नहीं कहती हूँ, मैं आपको कहती हूँ आप छोटे छोटे शब्द ज्वाइन कीजिए, छोटे छोटे शब्दों को ज्वाइन करेंगे, पढ़ भी लेंगे और समझ में भी आएंगे। ऐसा कोई शब्द ज्वाइन करने से क्या फायदा जिसको कि आप पढ़ भी ना पाए, तो हमेशा छोटे शब्दों को ज्वाइन कीजिए, छोटे से शुरुआत कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कदम, कदम, तो एक तो पूरा लिखेंगे, दूसरे से का की व्यंजन लिखा वो काट देंगे, कदम, कदम। ठीक है, या तो काट के लिखा जाता है या एज नियर एज लिखा जाता है, डिपेंड करता है आपके पास शब्द कौन सा आया है। समीक्षा, समीक्षा, ठीक है, राज्य सरकारों, तो राज्य सरकारों, सिद्ध कर दिया है, तो सिद्ध कर दिया है, जाने अनजाने, जाने, ठीक है, और अनजाने, इस तरह से जाने अनजाने, हल्का सा डैश देके डिफाइन करेंगे। ठीक है, योजना, योजना, बेघरों, तो देखिए बेघरों, लाचार, लाचार, ला एक साउंड दे देंगे ताकि आप अगर शॉर्ट एंड स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट, 100 वर्ड्स की स्पीड नॉर्मल वर्ड से थोड़ा फास्ट होती है, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा मांगती है, तो वी अपना कंसंट्रेशन मेंटेन कीजिए, फिर स्पीड में डिक्टेशन को लिखिए, और डिक्टेशन लिखने के बाद में डिक्टेशन को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी लिखी हुई डिक्टेशन को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो वो आपके लिए ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, इसलिए डिक्टेशन को प्रॉपर एक्सप्लेन कीजिए ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। चलिए बैक काउंटिंग के बाद में मैं डिक्टेशन को स्टार्ट करूँगी, 5 4 3 2 1 स्टार्ट। कोरोना के भयावह समय में घर लौट जाने की इच्छा जितनी सुखद और स्वाभाविक है उतनी ही दुखद और अस्वाभाविक है। लौटने में बढ़ती जा रही लापरवाही, जिस तरह से लौटते मजदूरों को रौंदती मालगाड़ी गुजरी है, उसे
दशकों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। लौटने और लौटाने में सामने आई इस रुला देने वाली लापरवाही के अनेक स्तर हैं, जो आलोचना और सुधार दोनों की ही मांग कर रहे हैं। अव्वल तो हम केवल जानकर खुश हो जाते हैं कि भूसावल से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलेगी और मध्य प्रदेश पहुंचेगी, लेकिन क्या हमने यह भुला नहीं दिया कि ये लौटने वाले मजदूर भूसावल स्टेशन तक कैसे पहुंचेंगे? 20 मजदूर जालना से भूसावल स्टेशन के लिए रेल पटरी के साथ साथ चले, शायद सड़क मार्ग से लौटने पर जगह जगह रोके जाने की आशंका थी, इसलिए उन्होंने रेल पटरी का चयन किया। उन्हें भूसावल स्टेशन पर पहुंचने के लिए 150 किलोमीटर चलना था। वे सब 45 किलोमीटर चलकर थक गए तो पटरी और उसके आसपास सुस्ताने लगे। सुबह का समय था, आंख लग गई और ऊपर से खाली मालगाड़ी गुजर गई। 20 में से 3 मजदूर पटरी से कुछ दूर सोए थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ। अब यह महज संयोग है या सिर्फ लापरवाही, यह सवाल भी बहुत व्यापक व गहरा है। मजदूरों को लापरवाह कहा जाए या उस प्रशासन को जिसने यह नहीं सोचा कि मजदूर जालना से भूसावल कैसे पहुंचेंगे, यह समय ऐसा समय है जब न केवल लौटने वालों को बल्कि लौटाने वालों को भी पूरी सावधानी से चलना है। यह कह देना अनुचित और अमानवीय है कि जब मौत आ जाती है तब दुर्भाग्य प्रबल हो जाता है। देश में जहां कहीं भी लोग लौट रहे हैं, उन्हें भगवान या भाग्य के भरोसे कतई नहीं छोड़ा जा सकता। आज गरीबों, मजदूरों, ज़रूरतमंद समाजों को जो घाव लगेंगे वे लंबे समय तक टीसते रहेंगे, इसलिए लौटने और लौटाने की पूरी प्रक्रिया कदम कदम पर समीक्षा मांग रही है। यह देखना राज्य सरकारों का काम है कि कौन कब कैसे लौटेगा। जिस रेलवे की तारीफ हो रही थी उसने जाने अनजाने इस हादसे से यह सिद्ध कर दिया कि उसकी योजना के भूसावल और हकीकत के जालना के बीच 150 किलोमीटर की लंबी दूरी है। यह मजदूरों, बेघरों, लाचार लोगों का विशाल देश है, जहां आने वाले दिनों में श्रमिक स्पेशल ट्रेनें और भी चलेंगी। लेकिन अब यह देखना भी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि लोग उन ट्रेनों तक कैसे पहुंचेंगे। कैसी रही आपकी डिक्टेशन? होप ये डिक्टेशन आपकी शॉर्ट एंड स्पीड के लिए एक्यूरेट रही होगी। देखिए, एकदम से 100 की स्पीड की डिक्टेशन आप नहीं लिख सकते, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है? जब स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे 40, 60, 70, 80, then 100, तो आप खुद पाएंगे कि आपके लिए ये स्पीड भी बेनिफिटेड है और आपकी प्रैक्टिस भी। देखिए, मैं एक ही डिक्टेशन को अलग अलग मेथड में इसलिए आपको प्रोवाइड कराती हूँ कि आप उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस मिले, ठीक है? जब आप उसको बार बार सुनेंगे, अलग अलग स्पीड रेंज में सुनेंगे, तो आपके लिए बेनिफिट ये होगा कि आप उनको ईजिली कैच कर पाएंगे, ठीक है? वर्ड आपके लिए कैचुअल हो जाएंगे और जो एक्यूरेसी है वो भी मेंटेन होने लगेगी। सबसे पहला मोटिव होता है कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ करना, और हर रोज़ एक नई डिक्टेशन कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ नहीं कर सकती, ठीक है? उसके लिए जब तक आप शॉर्ट ट्रेन लिखेंगे ही नहीं, कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए डिक्टेशन को प्रॉपर लिखिए, रोज़ लिखिए, और एक डिक्टेशन को कम से कम 2-3 बार सुनिए फिर लिखिए, जिससे आप उसको सही ढंग से कर पाएँ। अभी के लिए वीडियो अगर आपकी शॉर्ट स्टडीज़ के लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग।